मैं आरोग्य धाम से डॉक्टर हेमंत मोहन, लोकतंत्र के इस महापर्व में जो 20 फरवरी को मतदान होना है, हम चिकित्सक होने के नाते पूरे शहरवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान, और अपना वोट जरूर डालें, वोट परसेंटेज को जरूर बढ़ाएं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से वोट परसेंटेज 50% है, तो हम लोग चाहते हैं ये 80% से ऊपर हो जाए, और हम लोग को ईमानदार छवि वाले शिक्षित कर्मठ और जुझारू जो जन जन की सुध लेने वाले हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको वोट दें, और बाद में हम लोग ये कोसे ना कि सरकार ये काम नहीं कर रही है। तो ये समय है, ये मौका है कि आप अपने प्रिय नेता को वोट दें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अवश्य शामिल हों। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके वोट नहीं आए हैं, वो अपना आधार कार्ड लेकर के अभी अपना टेस्ट करा सकते हैं, और जो जो भी जन शुरू के 2 घंटे में सवेरे 8 से 10 में वोट डाल के आएंगे, उसको मैं डॉक्टर हेमंत मोहन और डॉक्टर आरती मोहन आरोग्य धाम की तरफ से 15 दिन की होम्योपैथी की दवाइयाँ निःशुल्क देंगे। डॉक्टर हेमंत मोहन, जैसा कि 20 फरवरी को लोकतंत्र का महापर्व है, इस दिन मतदान अवश्य करें, और हम लोग को इस महापर्व में अधिक से अधिक संख्या में हम लोग को पहुंचना है और हम लोग को वोट परसेंटेज को बढ़ाना है। पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि ये वोट परसेंटेज 50 से ऊपर नहीं हो रहा है, हम लोग 80% से ऊपर मतदान को बढ़ाना है और अपने पूरे देश में ये रिकॉर्ड बनाना है कि कानपुर वासियों ने अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाया है। ईमानदार छवि वाले शिक्षित कर्मठ जुझारू जन जन की सुध लेने वाले राजचिंतक प्रत्याशी को बाद में हम लोग कोसेंगे नहीं कि प्रत्याशी हमारा काम नहीं कर रहा है। इस महापर्व में जो जो लोग शामिल होंगे उनको आरोग्य धाम से मैं डॉक्टर हेमंत मोहन, डॉक्टर आरती मोहन, सवेरे 8 से 11 के बीच में जो लोग आएंगे, 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग, उनको 15 दिन की निःशुल्क होम्योपैथी दवाई दी जाएगी। मैं आरोग्य धाम से डॉक्टर आरती मोहन, मैं आप लोगों से बस ये अपील करना चाहती हूँ कि अपने वोट को प्लीज वेस्ट ना करें, और धर्म, जाति या किसी व्यक्ति विशेष पार्टी के हिसाब से आप कोई अपना वोट ना करें, और मतदान केंद्र पर जरूर जाएं, क्योंकि मैं एक महिला हूं और मैं महिला होने के साथ ही आपसे कहना चाहती हूं कि आप अपने वोट को, अपने किसी भी वोट को वेस्ट ना करें, और अपने निकटतम मतदान केंद्र में जाकर अपना आधार कार्ड लेकर जाएं ताकि आपको वहां पे कोई परेशानी ना हो। और हमारा जो भी मतदान होगा वो इस उस पे होना चाहिए कि हमारा जो भी पार्टी का मेंबर है जिसको हम मतदान दे रहे हैं वो कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसने हमारे लिए क्या किया है, वो क्या कर सकता है, इसलिए हमें इन सब चीजों का ध्यान देना है और हमको वोट जरूर करना है।